सोशल मीडिया पर अक्सर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिससे पुलिस पर बदनुमा दाग लग जाता है। वहीं कभी कभी उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कार्यों को लेकर नाम रोशन करते हुए भी नजर आती है। ऐसा ही एक वीडियो कानपुर से सामने आया है जिसमें जब एक बच्चा भीषण ठंड में अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर बेचने के लिए एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचता है तो पुलिसकर्मी का दिल पसीज जाता है। वह उससे न सिर्फ सारे झंडे खरीद लेता है बल्कि उसको नए कपड़े और जूते चप्पल भी दिलाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई कानपुर पुलिस की जमकर तारीफ कर रहा है। ये वायरल वीडियो कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां पर कानपुर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। इसी दौरान डीसीपी सेंट्रल भी वहीं पर मौजूद थे। जब उनके पास एक बच्चा अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर बेचने के लिए पहुंचा तो बच्चे की उम्र और ठंड का मौसम देखकर उन्होंने बच्चे से जानकारी ली। बच्चा फटे हुए कपड़े और जूते पहने था। इसे देखकर फौरन डीसीपी प्रमोद कुमार ने न सिर्फ सारे झंडे खरीद लिए बल्कि बच्चे के लिए नए जूते और कपड़े मंगवा कर पहनने को दिए। ये सब सामान पाकर बच्चा बेहद खुश नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई पुलिस की जमकर तारीफ कर रहा है।